हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो मैं जजमेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये यूएसए की जजमेंट है, इंडिया की जजमेंट नहीं है, मिरांडा वर्सेस एरिजोना। और इस जजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने यूज किया है, जो हम अपने रेफरेंसेज में, इंडियन जजमेंट्स के रेफरेंस में भी देते हैं। और इंडिया की एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसको मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, नंदिनी सतपति वर्सेज पीएल दानी 1978 की जजमेंट है, जिसमें मिरांडा वर्सेज एरिजोना का रेफरेंस लिया गया था। और ये, अगर आप लॉ पढ़ते हैं और अगर आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में जानते हैं, जो कस्टोडियल कन्फेशन निकलवाए जाते हैं कि उससे पुलिस के द्वारा था किसी भी प्रकार की ब्रुटैलिटी का इस्तेमाल करके, को टॉर्चर का इस्तेमाल करके, तो उसके ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप प्लीज बेल आइकन प्रेस कर देना, और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। मैंने सीआरपीसी के ऊपर ऑलरेडी 33 वीडियोस बना दी है, सारी फ्रीली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीआरपीसी की, एविडेंस की, लेबर लॉस की, जिसमें 60 प्लस वीडियोस हैं, 12 से ज्यादा लेबर लॉस कवर कर रखे हैं मैंने, आपके ईपीएफओ के एग्जाम के लिए, एलएलबी के एग्जाम्स के लिए और नेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज गाइज मुझे सपोर्ट करिए। तो अब इस जजमेंट में चलते हैं। देखिए, सीआरपीसी के रेफरेंस से मैं आपको जजमेंट का कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। सीआरपीसी के अंदर अभी मैं रिसेंट जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो मैंने 163 तक करवाया हुआ, सेक्शन 163 तक। और कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन का जो है, आर्टिकल 23 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके रिगार्डिंग भी ये जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जजमेंट यूएस की जजमेंट है, मगर इसका कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम पे भी फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, ताकि अगर आपके कोई डायरेक्ट कोई क्वेरी हो, तो कई सारे स्टूडेंट मुझसे डायरेक्ट अपनी क्वेरी पूछते हैं किसी भी रिगार्डिंग, अगर कोई भी लीगल डाउट हो या फिर किसी भी लीगल एस्पेक्ट पे कुछ नॉलेज चाहिए, तो आप उसे डायरेक्ट कन्वर्सेट कर सकते हैं। चलिए अब जरा फैक्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, इस केस में हुआ क्या कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ना मिरांडा वर्सेज एरिजोना में इनफैक्ट 4 डिफरेंट केसेस को एड्रेस किया था। 4 डिफरेंट ऐसे केसेस थे जहां पे एक्यूज की कन्विक्शन हुई थी, जहां पे एक्यूज से कन्फेशन निकलवाया गया था ड्यूरिंग द पुलिस इंटरोगेशन। तो वो 4 केसेस का जो क्रक्स है, इस वाली जजमेंट में मिरांडा वर्सेस एरिजोना में ही ले डाउन कर दिया गया, और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने। तो चार, पहले तो मैं 4 जजमेंट के बारे में बता देता हूं। सबसे पहली जजमेंट है मिरांडा वर्सेज एरिजोना। मिरांडा नाम के एक व्यक्ति को घर से उठाया गया था, फिर उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन किया गया। आप लोगों को पता है कि पुलिस जब इंटेरोगेशन करती है, पुलिस कस्टडी में किसी को अरेस्ट करने के बाद, तो उसमें थोड़ा सा थ्रेट दिया जाता है, वॉयलेंस का भी कई बार इस्तेमाल कर दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है, ब्रुटैलिटी के भी कई केसेस हैं इंडिया के अंदर, या फिर इवन इंडिया से बाहर की भी अगर आप लीगल सिस्टम में देखेंगे, तो कई बार ब्रुटैलिटी का, वॉयलेंस का इस्तेमाल किया जाता है कन्फेशन को निकलवाने के लिए एक्यूज से। तो ये जो मिरांडा वर्सेज एरिजोना था, क्योंकि ये 4 केसेस का कल्मिनेशन है जो हम अभी मिरांडा वर्सेज एरिजोना पढ़ रहे हैं, तो पहला केस मिरांडा वर्सेज एरिजोना था, जिसमें किडनैपिंग और रेप का चार्ज लगा और 20 और 30 साल की ईच, मतलब रेप और किडनैपिंग दोनों पे सजा मिली मिरांडा को। दूसरा केस है विग्नेरा वर्सेज न्यूयॉर्क का, जिसमें एक ड्रेस शॉप की रॉबरी के केस में अरेस्ट किया गया था, जिसमें ओरल एडमिशन दिया था उस बंदे ने, और रॉबरी के बारे में बताया था कि हाँ रॉबरी हुई, और उस ओरल एडमिशन को ट्रांसक्राइब कर दिया गया था, रिटर्न फॉर्म में निकाला गया था, बाद में इसको भी कन्विक्ट कर दिया गया। तीसरा केस है वेस्टओवर वर्सेज यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसमें अरेस्ट करके 2 रॉबरी, जो कांसास सिटी जो यूएस के अंदर स्टेट है, तो उसके अंदर 2 रॉबरी हुई थी, जिसके लिए उसको पकड़ा गया वेस्टओवर को, और वेस्टओवर को पकड़ने के बाद उसको कन्विक्ट किया गया 15-15 साल के लिए। तो उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट मैटर है, जो कन्फेशन साइन करवाया था, यहाँ पे देखिए सारे जजमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे कन्फेशन साइन कराया गया। कन्फेशन कहाँ पे साइन कराया गया? कन्फेशन साइन कराया गया है आपके पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान, कि जब उसको अरेस्ट करके कस्टडी में लिया गया, तो उस टाइम पे कन्फेशन साइन कराया गया है। तो चौथी जजमेंट है आपकी कैलिफोर्निया वर्सेज स्टीवर्ट की, इसके अंदर पर्स स्नैचिंग का केस था, तो उस रॉबरी, मतलब उसने काफी इन्वेस्टिगेशन हुई, और 9th इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसने अपनी रॉबरी को कन्फेस कर लिया था, तो इसमें उसको कन्विक्ट किया गया। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अब जरा मैं इंडियन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को आपको बताता हूँ। देखिए, आर्टिकल 23 जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो आपको प्रोटेक्शन देता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन से। सेल्फ इनक्रिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए बाउंड नहीं है, या आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बाउंड नहीं है, जो आपको ही फंसा सकता है, जो आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल चार्ज ले डाउन कर देगा। आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है, आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात ले डाउन है। सिमिलरली ये बात आपके सेक्शन 161
सबसेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर भी मेंशन है। सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी क्या कहता है जरा मैं वो भी बता देता हूं। वो कहता है कि पुलिस जब कभी भी इन्वेस्टमेंट, इंडियन लॉ की बात कर रहा हूं, जब कभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है तो एवरी पर्सन इज बाउंड टू आंसर द ट्रू फैक्ट्स, मगर एवरी पर्सन कैन नॉट आंसर द फैक्ट विच विल इनक्रिमिनेट हिम। मतलब कि मुझे सच बोलना है मगर मैं उन चीजों पे चुप रह सकता हूं जो मेरे लिए सेल्फ इनक्रिमिनेटरी है। तो आप इसको यूं समझ लीजिए कि आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 161(2) ऑफ द सीआरपीसी एक ही किस्म की बात करता है कि आपको अगर कोई जवाब देने से आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल चार्ज बन जाएगा तो आप उस जवाब को देने के लिए किसी भी प्रकार से कंपेल्ड नहीं है। तो यहां पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि पुलिस अपना अलग अलग मेथड्स को, चाहे वो वॉयलेंस का मेथड हो चाहे वो थ्रेट का मेथड, उसको इस्तेमाल करके कई बार कन्फेशन डिराइव कर लेती है अक्यूज से, तो उस चीज से ये प्रोटेक्ट करता है। तो अब आते हैं हम अपने इसी केस के अंदर। तो ये चार केस को एड्रेस किया, अब यहां पे इशू क्या हुआ जरा उसको समझते हैं। दो इशू हुए यहां पे, जो वहां पे पहला इशू था कि जो स्टेटमेंट आप एक इंडिविजुअल से लेते हैं, कब लेते हैं, जब पुलिस इंटेरोगेशन चल रहा है, जब आपने पुलिस ने उसको कस्टडी में ले रखा किसी इंडिविजुअल को, तो क्या वो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड कराई गई है या वो कन्फेशन जो रिकॉर्ड कराई गई है ड्यूरिंग द कस्टोडियल पुलिस इंटेरोगेशन, क्या वो स्टेटमेंट्स उसके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल में यूज हो सकती है? क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर वो किसी प्रकार की कन्फेशन देता है तो वहां पे वो चीज इनक्रिमिनेटरी हो जाती है, सेल्फ इनक्रिमिनेटरी हो जाती है, उसको फंसा सकती है। दूसरा कि यूएस के अंदर फिफ्थ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें जैसे हमारा आर्टिकल 23 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वैसे ही यूएस का फिफ्थ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लोगों को उन चीजों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करता जिसमें वो खुद इनक्रिमिनेट हो जाए, खुद फंस जाए, जिनकी वजह से वो स्टेटमेंट्स देने के लिए वहां यूएस के सिटीजन भी मजबूर नहीं है जो स्टेटमेंट देके उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज बने, तो उसके लिए फिफ्थ अमेंडमेंट है, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 23 हम पढ़ते हैं। तो दो इशू यहाँ पे रेज हुए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है, वहां यूएस की सुप्रीम कोर्ट कहती है, देखिए हम सबसे पहली चीज की जो फिफ्थ अमेंडमेंट है आपकी वो हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है जहां पे उसका फ्रीडम ऑफ एक्शन कर्टेल होता है, जहां पे उस व्यक्ति का फ्रीडम ऑफ एक्शन कर्टेल हुआ या फिर जहां पे वो मजबूरी से उनको ऐसे जवाब देने पड़ रहे हैं जहां पे वो फंस सकते हैं, इनक्रिमिनेट हो सकते हैं वो व्यक्ति, तो वहां पे वो जवाब देने के लिए कंपेल्ड नहीं किए जा सकते, मजबूर नहीं किए जा सकते, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, लॉ यहां पे कहता है कि प्रोसिक्यूशन चाहे कोई सा भी कस्टोडियल इंटेरोगेशन से जो मतलब स्टेटमेंट निकली है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन से जो स्टेटमेंट या कन्फेशन उसने रिकॉर्ड करी है, उस स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकता जब तक वो ये ना दिखा दे कि उसने प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का इस्तेमाल किया था उस प्रिविलेज अगेंस्ट द सेल्फ इनक्रिमिनेशन को सिक्योर करने के लिए। प्रोसीजरल सेफगार्ड का मतलब क्या है जरा मैं वो समझा देता हूं। देखिए जब कभी भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये वार्निंग देना बड़ा जरूरी होता है। मैं यहां पे देख लीजिए, जब कभी किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो उसको आपको बताना पड़ेगा, एज अ पुलिस ऑफिसर आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि भाई आपका राइट टू रिमेन साइलेंट है, मतलब आप चुप भी रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जवाब आप देने से फंस सकते हैं तो आप उस जवाब पे चुप रह सकते हैं, आपका अधिकार है। ये पुलिस को बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है। दूसरा पॉइंट कि पुलिस को ये इन्फॉर्म मतलब पुलिस को ये एजुकेट करना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति को जिसको पुलिस पकड़ के लाई है कि अगर आप यहाँ पे जो भी कन्फेशन या जो भी स्टेटमेंट या जो भी एडमिशन आप देते हैं यहाँ पे कस्टोडियल इंटेरोगेशन के दौरान तो वो आपके खिलाफ कल को क्रिमिनल ट्रायल में यूज करी जा सकती है, ये पुलिस पहले ही वार्न कर देगी। दूसरा, जब कभी भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा, व्हेन अ पर्सन शैल बी अरेस्टेड द पर्सन शैल हैव द राइट टू अटॉर्नी, एक एडवोकेट आएगा, एक वकील आएगा जिससे वो कंसल्ट करेगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मिरांडा वर्सेज एरिजोना की जजमेंट थी, विग्नेरा वाली जजमेंट और वेस्ट ओवर वाली जजमेंट, इन तीनों जजमेंट को तो रिवर्स कर दिया, जो उसमें कन्विक्शन हुआ था उसको रिवर्स कर दिया, मगर स्टीवर्ट वाली जो जजमेंट थी उसको अफर्म किया, उसको रहने दिया था। तो ऊपर की तीन जजमेंट्स को तो रिवर्स कर दिया था, बाकी जो चौथी जजमेंट थी उसको अफर्म कर दिया था। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि मिरांडा वर्सेज एरिजोना का जब कन्विक्शन ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो एरिजोना का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ एरिजोना है, उसने रिट्राई किया फिर उसको। और जब सेकेंड ट्रायल हुआ मिरांडा वर्सेस एरिजोना में, स्टेट ऑफ एरिजोना के अंदर ही, तो वहां पे मिरांडा का जो कन्फेशन था उसको एविडेंस में नहीं लाया गया, पहले एविडेंस में कन्फेशन लाया गया था उसके बेसिस पे ही कन्विक्शन हो गया था, मगर फिर भी मिरांडा को दोबारा कन्विक्शन हो गई थी। मगर यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट मिरांडा वर्सेज एरिजोना किस पॉइंट से है,
यहाँ पे ये जजमेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इनक्रिमिनेशन पे बात करता है कि क्या एक व्यक्ति किसी ऐसे क्वेश्चन पे आंसर देने के लिए मजबूर है जिससे वो इनक्रिमिनेट हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 23 है या फिर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी है वो भी इसी रिगार्डिंग बात करता है। तो ये जजमेंट को मैं जब नंदिनी सतपति बताऊंगा तो उसके अंदर भी इस जजमेंट को रेफर किया गया, अगली वीडियो में नंदिनी सतपति की बनाने वाला हूं सीआरपीसी की। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, आई होप आपको ये जजमेंट समझ में आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज मेरे एफर्ट्स को थोड़ा आगे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।